It is one of the most important topics of my life. And I mean it. ये मैं अपने किसी सेशन में नहीं बोला आज तक. आज बोल रहा हूँ. पहली बार. This is one of the most important topics, not just for the students, but for everybody. यहाँ पर कितने students हैं जो अभी school में हैं, college में हैं या post graduate level पे? Students की life की दो ऐसी problems हैं जिसको आज हम touch करने वाले हैं. और मेरे अकॉर्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट की लाइफ से रिलेटेड उन सबको इन दो प्रॉब्लम्स में कैटेगराइज किया जा सकता है. पहली प्रॉब्लम यह है कि हम जाने या अनजाने गलत ट्रैक पे चलने लग जाते हैं. गलत ट्रैक क्या है? बहुत ही सिंपल है. सिगरेट, शराब, नशा, किसी भी तरह का कुछ भी हो, वहां से ले करके एडिक्शन टू व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविजन, ये सब क्या है? सब गलत ट्रैक है. अब यहाँ पे ध्यान से समझना जो चीज़ मैं कह रहा हूँ. प्रॉब्लम मोबाइल में नहीं है. इससे जो हमारी एडिक्शन है, जो हमको लत पड़ती जा रही है कि एक मिनट के लिए भी चाह करके भी हम मोबाइल को छोड़ नहीं पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है. किसी भी तरह का, किसी भी इंसान से, किसी भी चीज से, किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी स्टेट से, किसी भी एक्सपीरियंस से अगर आपको एडिक्शन हो जाए तो आप समझ जाओगे आप गलत ट्रैक पर जा रहे हो. यह है गलत ट्रैक. एडिक्शन नहीं है, लिमिट में कर रहे हो, कोई बुराई नहीं है. मोबाइल अपने आप में एक बहुत ही अच्छा टूल है. अगर मोबाइल से कुछ बुरा हो रहा है हमारी सोसाइटी में तो बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, और बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है अगर उस टूल को हम ढंग से यूज करना सीख जाए तो. लेकिन अगर वो टूल जो कि मोबाइल है वो हम पर हावी हो जाए तो बहुत गड़बड़ है. तो बड़ा भयानक टूल है. खाना खा रहे होंगे लेकिन उसके साथ में मोबाइल चल रहा होगा, छोड़ा ही नहीं जाएगा, चिपक जाएंगे. जैसे एक आदमी से शराब नहीं छोड़ी जाती ना, ऐसे मोबाइल नहीं छोड़ा जाएगा. और यही हो भी रहा है आज की रेट में. अभी भी आप में से कुछ लोगों का मन कर रहा होगा, चल एक बार देख लूं मोबाइल पे क्या है रहा है. एडिक्शंस है, एडिक्शंस है. ये हो गया गलत ट्रैक. सही ट्रैक क्या है वो हम सबको पता है. वो क्या है कि अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है इस पॉइंट पे? पढ़ना, पढ़ाई करना. और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना. अभी आप क्या करोगे छोड़ करके? हवाई बड़े बड़े प्लान्स आप बना सकते हो, हवाई महल खड़े कर सकते हो, मान लिया वो कर भी सकते हो. लेकिन अगर अभी 12th स्टैंडर्ड में हो तो अभी तो नहीं कर सकते ना. अभी तो बिजनेस नहीं कर सकते, अभी तो जॉब नहीं कर सकते, अभी तो जाकर के हीरो नहीं बन सकते. तो अभी क्या करना है? अभी तो पढ़ना है. मेडिकल कॉलेज में आ गए तो डॉक्टर बन के ही निकलना है ना. बीच में तो नहीं छोड़ा जा सकता. और अगर आज आपने इसको बीच में छोड़ा तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि इसके बाद आप कुछ और करोगे उसको भी बीच में नहीं छोड़ोगे, छोड़ते ही नहीं चले जाओगे? क्या गारंटी है? तो ये है सही ट्रैक. सही ट्रैक क्या है कि एक बार एक डिसीजन ले लिया, लेने से पहले 1000 बार सोचो, 10,000 बार सोचो, ले लिया तो फिर उसमें अपना 100% डालना है. तो अब ये चीज कैसे होगी? दो सॉल्यूशंस है. एक है सुपरफिशियल लेवल पे, सरफेस लेवल पे, मतलब कि ऊपर ऊपर की बातें. मैं आपको बता दूं यहां पर बैठ करके कि पढ़ाई में आपका ध्यान नहीं लगता, मैं आपको तरीके बता देता हूं कि कॉन्सेंट्रेट कैसे किया जाए, अपनी कॉन्सेंट्रेशन पावर्स को कैसे बढ़ाया जाए. बहुत सारे तरीके, हजारों तरीके हैं कि ठीक है पढ़ाई के टाइम पे आप म्यूज़िक ऑन कर लो, म्यूज़िक सुनते रहो, अपने मोबाइल को ऑफ करके कहीं पर रख दो, पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करो, ये करो वो करो. आप इंटरनेट पे चले जाओ, आपको ऐसे 1000 नुस्खे मिल जाएंगे, 1000 ऐसे आइडियाज़ मिल जाएंगे. उसके लिए मुझे यहाँ पर आकर के बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है. और जो ऐसे नुस्खे ढूंढना चाहता है वो ढूंढ लेगा 2 मिनट के अंदर अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है. अगर कोई चाहता है ये जानना कि पढ़ाई में अपनी कंसंट्रेशन पावर्स को कैसे बढ़ाया जाए तो 1000 रास्ते हैं. गूगल के ऊपर जाकर के आप सर्च करो हाउ टू इंक्रीज योर कंसंट्रेशन पावर, आपको टिप्स मिलती चली जाएंगी. उन टिप्स में से जो अच्छी लगती है उसको इंप्लीमेंट करते चले जाओ, कंसंट्रेशन पावर्स बढ़ जाएंगी. लेकिन ये भी प्रॉब्लम की जड़ नहीं है. जड़ ये है कि हमारा इंटरेस्ट क्यों नहीं है पढ़ाई के अंदर? हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है. उस इंटरेस्ट को कैसे क्रिएट किया जाए? अंदर से पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है. ये जड़ है प्रॉब्लम की कि किसी तरह से नहीं. अगर आपको पार्क में जाकर के खेलना है तो उसके लिए किसी मोटिवेशन सेशन की जरूरत है क्या? नहीं है. आप जाओगे जाकर के पार्क में खेलोगे. फेसबुक के ऊपर बैठ करके टाइम पास करना है, उसके लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत है क्या? मुझे जरूरत है आकर के बोलने की कि प्लीज अपना फेसबुक पर टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा यूट्यूब पर कुछ वीडियो देखो, व्हाट्सएप पे बैठा करो ना, बैठते क्यों नहीं हो, अपने दोस्तों के पास जाया करो, 2-4 पैग लगाया करो, हाँ
सुट्टे मारा करो, ये सब बोलने की जरूरत है? समझो, एग्जैक्टली, जड़ तक जाना है, ऊपर ऊपर लेवल पे काम नहीं करना। सॉल्यूशन ये है कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं आकर के, आपके पेरेंट्स आकर के, पूरी दुनिया आकर के आपको कहे कि मत पढ़ो, मत पढ़ो, खबरदार अगर पढ़े तो, और फिर भी आप पढ़ो। आपको नहीं, मैं तो पढ़ूंगा, आने तो मेरे सामने कौन आ रहा है, उसको देख लूंगा, देखता हूं मुझे को कौन रोकता है पढ़ने से। अगर कुछ ऐसा हो गया तो समझ जाओ खेल हो गया, काम हो गया। जो आपकी स्टूडेंट लाइफ है उसमें पढ़ना था, आप पढ़ लिए, उसके बाद में जॉब करनी है तो जॉब में अपना 100% डाल दिया, बिजनेस करना है बिजनेस में 100% डाल दिया, एटलीस्ट स्टूडेंट लाइफ में तो आपने 100% डालना सीख लिया ना, तो आगे भी आप लाइफ में जो भी करोगे आप पूरे दिल से करोगे, पूरे तरीके से करोगे। अब कैसे करना है, ये प्यार कैसे आएगा? हाँ, ये प्यार कैसे आएगा बता रहा हूं, प्यार में थोड़ा सब्र करना पड़ता है। अब क्या है इसका सलूशन? बहुत आसान है। मैं इतना इसलिए बोल रहा हूं, इतना बेस इसलिए बना रहा हूं ताकि जो मैं एक लाइन में बोलने वाला हूं उसको तो मैं सेशन के शुरू में भी बोल सकता था और बोल करके खत्म कर सकता था, लेकिन होगा क्या कि अब इतना सुनने के बाद में अब आपके अंदर से आ गया ना, सबके अंदर से आवाज आ रही, अरे बोलना बोल क्यों नहीं रहा, क्यों घुमा रहा है गोल गोल? तो अभी आपके अंदर से आ रहा है कि बोलना, तो अब होगा क्या कि मैं बोलूंगा एक ही लाइन में, बोलने वाला हूं वैसे कुछ सेकंड्स में, हाँ ध्यान से सुनना, बोलूंगा एक ही लाइन में, लेकिन आप पूरी तरह से अलर्ट हो जाओगे, पूरी तरह से अवेयर हो जाओगे, आप सुनने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। नहीं तो क्या होता, अगर मैं ये सब नहीं करता और वैसे ही बोल देता, आप कहते हाँ सुन लिया, समझ आ गया, बात खत्म, दी एंड। आप यहां से निकलोगे, फिर जाकर के कोई नया नुस्खा ढूंढने की कोशिश करोगे, आप कहोगे हाँ ठीक है ये बात तो समझ आ गई, चल अब कुछ और देखते हैं, अब कुछ और करते हैं। ऐसे ही होता है कि जो बात समझ आ गई उसके बाद में हमने कहा उसमें क्या काम करना है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं बधाई देता हूँ, नहीं तो मेरी पिटाई हो जाएगी, लोग बौखला जाएंगे वहां से उठ करके, अब बोलना तेरी तो। आपको एक वजह चाहिए, आपको एक बहुत बड़ी वजह चाहिए पढ़ने के लिए। अरे यही जड़ है भाई, आपके पास कोई बहुत बड़ी वजह ही नहीं है पढ़ने की, कोई वजह ही नहीं है उन सारे एडिक्शंस को छोड़ने की जिन्होंने आपको जकड़ रखा है, कोई वजह ही नहीं है अपनी बड़ी से बड़ी आदतों को बदलने की जो आदतें पड़ गई हैं। आदतें क्या हैं? ना पढ़ने की, एक नई आदत डालनी पड़ेगी, वो है पढ़ने की। उसके लिए कोई वजह तो चाहिए, और बहुत बड़ी वजह चाहिए, तभी आप उस पर एक्ट करोगे, नहीं तो क्यों करोगे? आपको कहोगे ठीक है जिंदगी चल तो रही है, चलती रहेगी ना, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या जा रहा है, एक्सक्यूजेस बनाते रहोगे कि इस वजह से नहीं हो रहा, उस वजह से नहीं हो रहा, उस वजह से नहीं हो रहा, जबकि अंदर से आपको भी पता होगा कि ये सब एक्सक्यूजेस हैं, असली कहानी कुछ और है। तो वजह चाहिए, वजह क्यों चाहिए? आप इमेजिन करो कि आप एक डेजर्ट में हो, रेगिस्तान में हो, और खो गए हो, रास्ता भूल गए, एक दिन निकल गया, दो दिन निकल गए, क्या होगा ऐसे में? प्यास से तड़प रहे होगा ना, इमेजिन करो उस सिचुएशन को, जस्ट इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग, कि दो दिन हो गए हैं आपने पानी की एक बूंद भी नहीं पी है, ऊपर से डेजर्ट जहां पर कोई छाया भी नहीं है, भागे जा रहे हो इधर से उधर, चले जा रहे हो, हिम्मत नहीं है, बुरी हालत हुई पड़ी है और मरने लायक हालत है, उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? सिर्फ पानी, कि कहीं से पानी की एक बूंद मिल जाए, सिर्फ एक बूंद मिल जाए कहीं से पानी की, वो सूख गया है, अंदर तक सब कुछ सूख गया है, बुरी हालत हुई पड़ी है, उस वक्त आप क्या करोगे, क्या पियोगे? टॉयलेट पियेंगे, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। और ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, जो भी लोगों के साथ में ये चीज हुई है उनके एक्सपीरियंसेस जाकर के आप पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा। टॉयलेट जिसको हम वेस्ट समझते हैं वो भी एक एक बूंद उसकी भी कीमती हो जाती है, जो आप में से कोई अभी सपने में भी करने की नहीं सोच सकता। अभी कोई यहां से बाहर जाकर के अपना टॉयलेट पिएगा? कोई है तैयार है? एनीबॉडी? कोई नहीं, क्यों? कोई वजह ही नहीं है?
देयर इज नो रीजन, देयर इज नो रीजन. क्यों पिए भाई, मैं पागल हूं क्या? हाँ, मैं पागल हूं जाकर के जबरदस्ती अपना टॉयलेट पीऊं. लेकिन अगर वो वजह बड़ी हो तो आप पानी क्या खून भी पी जाओगे. सारा खेल वजह का है, पर्पस का है. उस वक्त आपके दिमाग में क्या कोई डिस्ट्रैक्शन होगी? यस और नो? कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी. आपका सिर्फ एक गोल होगा, वो होगा पानी और कुछ भी नहीं. इसी तरह से आपको एक बर्निंग डिजायर चाहिए पढ़ने के लिए. बर्निंग डिजायर क्यों? क्योंकि रियलिटी क्या है? पहले हमको रियलिटी को समझना है. हम रियलिटी को ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं. रियलिटी क्या है कि अगर आपके पांच सब्जेक्ट्स हैं तो ज्यादातर जो यहां पर स्टूडेंट्स हैं उनको पांचों ही पसंद नहीं होंगे. रियलिटी है. यस और नो? देख लो कितने सारे लोगों की आवाज आई है. ज्यादातर जो लोग हैं, कुछ लोग होंगे जिनको उन पांच में से एक या दो सब्जेक्ट अच्छे लगते होंगे, कुछ लोग, और रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई होगा जिसको पांचों अच्छे लगते होंगे. तो खेल क्या है? खेल क्या है कि जो सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, जिसमें मजा आता है, वो तो आप पढ़ लोगे, उसमें तो आप मार्क्स ले आओगे. लेकिन बाकी के वो सब्जेक्ट्स जो आपको अच्छे नहीं लगते, जो टॉर्चर लगते हैं, उसमें मार्क्स कैसे लाओगे? उसको पढ़ने का आपका मन ही नहीं करेगा. तो आप क्या करोगे? आप बहाने बनाओगे, अपने ध्यान को बार बार कहीं और लेकर के जाओगे. डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, खुद आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करोगे ताकि उस टॉर्चर को सहना ना पड़े, उस मेंटल पेन को सहना ना पड़े, वो ना करना पड़े जो हम नहीं करना चाहते, जो हमारा मन नहीं है. लेकिन रियलिटी क्या है कि आपको पांचों सब्जेक्ट्स में पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, चाहे आप चाहो या ना चाहो. कितना खतरनाक है देखो. क्या करोगे? है कोई और ऑप्शन? अगर पांच में से आप दो में टॉप कर गए और तीन में फेल हो गए तो क्या होगा? बाहर, फेल. तो पढ़ना तो पड़ेगा ही. तो कैसे करोगे? कैसे करोगे? सोचो, थिंक अबाउट इट. मैं आज माइंड की बहुत ही गहराई में जाने वाला हूं कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, जिसको लोग सबकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं, वो किस तरीके से काम करता है, कैसे हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर आकर के हावी हो जाता है और हमसे वो करवाता है जो हमें पता है कि हमारे लिए करना गलत है, लेकिन फिर भी हम करते चले जाते हैं और खुद फंसते चले जाते हैं. और एक दिन जब पूरी तरह से फंस जाते हैं तब बहुत देर हो जाती है, उससे हम चाह करके भी बाहर नहीं आ पाते. वो एडिक्शंस हमको इस तरीके से पकड़ लेती हैं, जकड़ लेती हैं कि हम फंस जाते हैं. उसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत आसान है, बहुत आसान है. हमें सिर्फ इस लाइफ को ऑब्जर्व करना है और एक बेसिक सी चीज समझनी है कि जो भी इंसान इस दुनिया में कुछ भी कर रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, वो क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? वो कर रहा है मजे के लिए, खुशी के लिए, एब्सोल्यूटली प्लेजर के लिए. और दूसरी चीज वो कर रहा है अपने पेन को अवॉइड करने के लिए, कि जिन चीजों में दर्द होता है कि किसी तरह से वो दर्द ना सहना पड़े, मजा आता रहे. इसको रिलेट करते जाना पढ़ाई से, जो मैं चीज बोल रहा हूं कि आपके पास में दो ऑप्शंस है. एक तरफ है कि यूट्यूब पे बैठ करके कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है, दूसरी तरफ उस सब्जेक्ट को पढ़ना है जिस सब्जेक्ट में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है. एक तरफ दर्द है, एक तरफ मजा है. तो हमारा माइंड किसको चूज करेगा? मजे को चूज करेगा, दर्द को छोड़ेगा. लेकिन जो आपकी जिंदगी बनेगी, फ्यूचर बनेगा, वो बनेगा दर्द को सह सह करके. नो पेन नो गेन. सिंपल.